हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी वन स्टेप अहेड फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर लखनऊ खंडपीठ के अंदर दोस्तों एक अहम सुनवाई जो है वो चल रही है, और इसको लेकर दोस्तों सुबह से जब से सुनवाई शुरू हुई है तभी से दोस्तों 60-65 के बचाव में दोस्तों सुनवाई जो है वो सरकारी वकीलों की तरफ से जारी है। तो तिवारी जी ने दोस्तों अपना पक्ष जो रखना शुरू किया था। मैंने आप सबको बता दिया था कि पेपर वाली कहानी, पेज वाली जो कहानी थी वो तो पहले ही समाप्त हो चुकी थी, ख़त्म हो गई थी। अब दोस्तों 60-65 के बचाव को लेकर तिवारी जी काफ़ी अच्छे तरीके से बहस जो है वो कर रहे थे। तो चलिए दोस्तों जय जवान जय भारत जय हिंद के नारे के साथ दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, और वीडियो को दोस्तों लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों एक बात और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, काफ़ी अहम है। आज दोस्तों मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बुखार है, कफ है, कोल्ड है, फिर भी मैं दोस्तों आप लोगों को पल पल की अपडेट देने की कोशिश है जो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो इसके लिए दोस्तों लाइक एंड शेयर तो बनता है, बाकी जैसा आपको अच्छा लगे। बिकॉज मेरा काम है दोस्तों आप लोगों को निष्पक्ष देना, निष्पक्ष न्यूज़ प्रोवाइड करना, किसी के पक्ष में नहीं जाता दोस्तों। जो कोर्ट में होता है वही मैं आप लोगों को बताता हूँ, और आई थिंक यही मेरी सबसे बड़ी और सबसे मेन चीज़ है जो मैं आप लोगों को देता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों लखनऊ खंडपीठ से मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, तिवारी जी ने दोस्तों काफ़ी अहम पॉइंट जो है जज साहब के सामने रखे हैं। उन्होंने बोला कि 33, 33, 40, 45, 60, 65 का जो रखने का कट ऑफ रखना है वो राज्य के पास अधिकार है, वो कोई भी कट ऑफ जो है वो रख सकती है। जी हाँ दोस्तों, तिवारी साहब ने अपनी बहस में बोला 68,500 के अंदर जो कट ऑफ रखी गई थी वो सिर्फ और सिर्फ 68,500 के लिए थी। कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा था कि अगली जो वैकेंसी आएगी या 69,000 होगी या 70,000 होगी या 75,000 होगी, उसके अंदर यही कट ऑफ मान्य होगी। तो ऐसा कहते हुए तिवारी जी ने जज साहब से ये भी पूछा कि आप ये बताइए कि क्या वहाँ पर किसी ने पहले बोला था कि अगली जो वैकेंसी आएगी उसके अंदर भी हम इन शिक्षा मित्रों को लेंगे और कट ऑफ इतनी रहेगी? कट ऑफ को लेकर पहले कोई डिसाइड नहीं किया गया था। जो 68,500 के अंदर कट ऑफ थी वो सिर्फ और सिर्फ 68,500 के लिए थी, 69,000 के लिए कहीं भी ऐसा हमने जो है आगे नहीं बोला था। तो इस बात को कहते हुए जज साहब ने इसको मतलब कंसीडर भी किया, इस बात को माना। उन्होंने कहा ठीक है, ये बात तो है कि जो पिछली कट ऑफ थी वो उसके पास थी जो 68,500 के लिए ही थी, और साथ में दोस्तों राज्य के पास सारे अधिकार हैं कोई भी कट ऑफ रखने को, 30, 33, 40, 45 या 60, 65 ऐसा भी दोस्तों जज साहब ने इस बात को कंसीडर किया। लेकिन दोस्तों फिर 10 मिनट का ब्रेक लिया गया, साथ में दोस्तों जो शिक्षा मित्रों के वकील हैं उन्होंने इस पर ऑब्जेक्शन भी लिया। उन्होंने बोला कि ये हक तो है, कोई शक नहीं, ये सरकार कुछ भी रख सकती है, डजंट मैटर कि वो कट ऑफ कितनी भी हो। लेकिन उन्होंने इस बात को लेकर ऑब्जेक्शन किया कि अगर सरकार पहले भी तो रख सकती थी, इस कट ऑफ को बाद में क्यों रखा गया? उसके बाद ही दोस्तों जज साहब ने 10 मिनट का ब्रेक लिया है। 10 मिनट के बाद दोस्तों सुनवाई पुनः सुनवाई शुरू होगी 1 बजे, फिर उसके बाद दोस्तों आधे घंटे तक बहस जो वो चलती रहेगी। उम्मीद है दोस्तों लंच से पहले या लंच के बाद दोस्तों आज जो ऑर्डर है वो रिजर्व हो जाएगा। तो पल पल की अपडेट के लिए वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहिए, साथ में दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। जय जवान जय भारत जय हिंद के साथ दोस्तों वीडियो को समाप्त करूंगा, दोबारा से वीडियो लेकर के आऊँगा थोड़ी ही देर में। उम्मीद है कि 1:50 के बाद आसपास ही मैं अपडेट आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहिए गाइस, थैंक यू।